आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरस के बारे में। वायरस एक अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही विकास करती है। वायरस नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। शरीर के बाहर ये मृत समान होता है, लेकिन जैसे ही सजीव जीवों में ये प्रवेश करता है ये जीवित हो जाता है और उस शरीर के कोशिकाओं को नष्ट करना स्टार्ट कर देता है। वायरस बिना किसी सजीव माध्यम के अपने वंश का विकास नहीं कर सकता है और यह सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकता है। जब वायरस जीवित कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो यह कोशिकाओं के डीएनए और आरएनए जेनेटिक संरचना को चेंज करके अपने जेनेटिक संरचना में बदलना चालू कर देता है। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने यह पता लगाया कि चेचक बीमारी एक वायरस के कारण होता है। उसी प्रकार इसके बाद एडोल्फ मेयर ने यह बताया कि तंबाकू के कारण जो मोजेक बीमारी है वो भी एक वायरस के कारण ही होता है। वायरस लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो जीवाणु भोजी वायरस है वो एक लाभदायक वायरस है। यह हैजा, पेचिस और टाइफाइड जैसे बीमारियों को नष्ट करता है। वायरस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लांट वायरस, दूसरा होता है एनिमल वायरस और तीसरा होता है बैक्टीरियोफेज। ये तीन तरह के वायरस होते हैं।